नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। अगर आपने हमारे इसके पहले के पार्ट्स और 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट और ट्रिक के वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में और आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम जीएस की प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जहाँ कहीं भी जीएस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन सी, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सबसे पहला केवलर का यूज़ किया जाता है, दूसरा पॉली पैराफेनिलिन टेरेप्थोलेमाइड इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन बी, हिस्टोलॉजी। दोस्तों, ये जितने भी लॉजी वाले क्वेश्चन हैं कि ये मायोलॉजी, बायोलॉजी, ब्रायोलॉजी, ये सारे आप वो सारे इंपॉर्टेंट उसे याद कर लीजिए कि किन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो कितनी पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपकी 12 जोड़ी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ी बोला है, नहीं बहुत से लोग क्या करेंगे, 24 को आंसर लगा देंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे जोड़ी दिया गया क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। अगर सिर्फ आपसे पसलियाँ पूछे तो आपकी 24 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, 24 पसलियाँ होती हैं, लेकिन जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी, और एक जोड़ी में कितने होते हैं? दो होते हैं। तो 12 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए, नहीं 24 लगा लेंगे और ऑप्शन यहाँ 24 है भी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या प्रभावित रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है इसमें? ऑप्शन सी, घटता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े के अंदर जो होता है वो क्या होता है, उसका अंदर का प्रेशर घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? दोस्तों, ये कमेंट वाला क्वेश्चन है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मैं पूछ के आ रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो ऑप्शन ए, प्रजनन संबंधी रोग होता है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन मैं पूछ के आ रहा हूँ कि इसमें से आप बताइएगा सी का, एनीमिया जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? जिस किसी जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो कितना करता है? ऑप्शन बी, 1500 मिली लीटर। ठीक है, अगर लीटर में बात करें तो ये 1.5 लीटर। ठीक है, लीटर में भी याद रखिए और मिलीलीटर में भी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, मधुमेह। ठीक है, जिसे डायबिटीज़ भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये संक्रामक रोग नहीं है, जबकि कुष्ठ रोग, कुकर खांसी और क्षय रोग, ये तीनों ही संक्रामक रोग के में आते हैं। इन तीनों को आप लोग संक्रामक रोग की लिस्ट बनाइए, उसमें ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे करता है? ये करता है ऑप्शन डी, यकृत को। पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, ये होता है ऑप्शन ए, जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं नींबू का जो कैंकर रोग होता है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जीवाणु द्वारा जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कब होता है? ये वर्षा ऋतु में होता है।
तो ये वर्षा ऋतु में अधिकांश देखे जाते हैं कि ये रोग फैलता है। और एक इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पत्ती, शाखा और डंठल, डंठल जो होती है इनमें ही ये रोग विशेषकर पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ठीक है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, ऑप्शन सी आपका कटक। कटक कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर है आपका 10^-9 मीटर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया, मिलीमीटर दिया हर जगह, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे टिक मार के बढ़ जाएँ, देख लीजिएगा कि ये क्या दिया हुआ है, यूनिट क्या है। ठीक है, मात्रक मिलीमीटर है, जबकि आपने मीटर में निकाल रखा है, तो इसे मिलीमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 10^3 से। तो अगर आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10^-6 मिलीमीटर। अब आ गया मिलीमीटर में, अब ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ये रहा ऑप्शन आपका बी, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है? प्रकृति में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए, हीरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऐसा कौन सा है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड हो जाएगा। ठीक है, ये लेड है ऐसा जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और भी बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो उनके लिस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि पेपर में अगर वो ऑप्शन में दिया जाए तो आप उसे भी कर सकें। सबसे पहला लेड तो बता ही दिया मैंने, उसके बाद होता है कॉपर आपका होता है, फिर सिल्वर भी ऐसा है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गोल्ड हो गया मतलब कि सोना हो गया आपका, और उसके बाद प्लैटिनम जिसे पीटी से भी लिखते हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे नोबेल तेल कहा जाता है? तो नोबेल तेल किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, TNG को। ठीक है, TNG का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान कर लीजिए, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी, और नोबेल तेल किसे कहते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इसका ये किस फॉर्म में होता है, तो जैसा कि आपको पता है नोबेल तेल है, तो ये क्या है, ये एक विस्फोटक विस्फोटक द्रव है। ठीक है, विस्फोटक द्रव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाइडू सर्च इंजन का विकास किया था? तो बाइडू सर्च इंजन का विकास किसने किया था? ऑप्शन बी, चीन ने। आप सभी लोग गूगल का यूज़ करते होंगे, गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल जो कि क्या है, सर्च इंजन ही तो है, ऐसे ही बाइडू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कम यूज़ करते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं कोई यूज़ ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन चाइना में इसका यूज़ होता है या और कंट्रीज़ में होता है, तो वहाँ पे ही इसका हुआ था। ठीक है, सर्च इंजन का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंद्र क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन ए, रडार है। ठीक है, और इसे किसने विकसित किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी आर डी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप में से सभी को पता होगा, किसने किया है, जे एल बेयर्ड ने किया है। ठीक है, जे एल बेयर्ड ने किया है, नाम आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बेसिक लेवल के हैं, जो कि आते ही हैं, हर बार आते हैं, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कौन सा है, ऑप्शन सी, थोरियम है। ठीक है, थोरियम भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से पाया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, ये पाए जाते हैं मोनाजाइट, कई बार ये पूछा जाता है कि किन से मिलते हैं, तो मोनाजाइट
से मिलते हैं। ये एक तरीके से बालू होते हैं, इन बालू में होते हैं, ठीक है। बालू बलुआ पत्थर होते हैं, उनसे ये थोरियम निकलता है, जो कि आपका तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, खासकर आपका केरल, केरल का एरिया जो है उधर, वहाँ सब पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, तो शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? ये होता है आपका ऑप्शन ए, बिट्स में मापी जाती है। आपने देखा होगा, जिनके पास लैपटॉप होगा या नहीं भी होगा तो भी जानते होंगे कि कंप्यूटर में जो होता है 64 बिट के नाम से फेमस होते हैं, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेने जाएंगे, और 32 बिट्स के नाम से मिलते हैं। क्या आपको 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? जो आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है वो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बिट्स में ये मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैदोमीटर से क्या नापते हैं? ऑप्शन सी, सागर की गहराई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? एक सदिश राशि है तो ये आपको बताना है, ये कौन सी है। संवेग बिल्कुल होती है, ऊर्जा नहीं होती है, विस्थापन भी होता है संवेग में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अब सदिश राशि जब आ ही गया तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कि सदिश राशि और कौन कौन सी होती हैं। विस्थापन और संवेग तो हो ही गया, तो आपका, चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग और भार, ये सारे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको सदिश पता है तो आप अदिश वैसे ही निकाल सकते हैं, कि इतने आप याद कर लीजिए कि ये सदिश हैं, इसके अलावा अदिश होते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रिक काम कर जाएगी बहुत जगह पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मोस्टेट संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन ए, तापक्रम नियंत्रण से। ये कहाँ पे लगा होता है आप लोगों को पता ही होगा, एसी में लगता है। इसका काम क्या होता है कि आप जो टेम्परेचर सेट कर देंगे, जैसे आपने 22 डिग्री सेट कर दिया, तो इसका काम है कि ये उस रूम के टेम्परेचर को या उस जगह के टेम्परेचर को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ पे आप डिज़ायरेबल टेम्परेचर जो आप चाहते हैं कि उस टेम्परेचर का बढ़ा के 33 कर देंगे तो वो 33 डिग्री पर भी पहुँचा देगा, घटा के 18 कर देंगे तो 18 पे भी पहुँचा देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एडजस्ट करता है टेम्परेचर को आपके हिसाब से, जैसा आप डिज़ायर करेंगे, जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जीएस से रिलेटेड। ये हमारा पार्ट 6 था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 200+ वीडियोज़ डाल रखे हैं ट्रिक और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। दोस्तों आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।